यार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाथरूम के कुछ ऐसे अजीबोगरीब डिजाइन्स की जिन्हें देख आप भी कहेंगे वाह क्या हगे हो बेटा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अरे अरे भाई, इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया बाथरूम तो बनाया है, लेकिन बनाने वाले का भी दिमाग देखिए। वहीं पर बाथरूम करने वाला जुगाड़ बना दिया और वहीं पर खुले में टॉयलेट सीट भी बना डाली। अब जाहिर है कि एक पब्लिक टॉयलेट होगा क्योंकि इसमें एक साथ इतनी सारी सीट्स जो लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पब्लिक टॉयलेट होने के चलते यहाँ पर मात्र एक या दो बंदे तो आएंगे नहीं, और जब 5-6 बंदे यहाँ इकट्ठे होंगे और जिसे जोर से आई होगी टट्टी, वो बेचारा क्या खुले में ही हगेगा क्या? खैर, ये बात हमने तो सोच ली, लेकिन शायद इसे बनाने वाले मंदबुद्धि ने ये नहीं सोचा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जिनके घर का एरिया बहुत कम होता है, वो अपनी हर एक चीज बहुत छोटी छोटी जगह में बनाते हैं, जैसे कमरा, किचन, टॉयलेट वगैरह वगैरह। और शायद यहाँ पर भी जगह कुछ कम ही बची होगी, जो इतनी कम जगह में टॉयलेट सीट, बाथटब और वॉश बेसिन तीनों एक साथ फिट कर दिए। वैसे ये भी सही है ना दोस्तों, वहीं पर नहाओ, अपना काम करो और वहीं पर हाथ धो लो। जिसने भी ये जुगाड़ लगाया, वैसे लगाया तो बड़ा कमाल का है भाई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, इन भाई साहब ने तो अपनी छोटी जगह को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ना तो इस जगह का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है और ना ही प्राइवेसी का कुछ ध्यान रखा गया। मतलब फर्श से दरवाजे को 5 से 6 इंच तो ऊंचा देखा था, लेकिन अब ये क्या, बेचारा जो भी बंदा यहाँ पर बैठकर अपना काम करने लगेगा उसके साथ क्या होगा, शायद आप भी जानते ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मतलब प्राइवेसी गई तेल लेने। अब जरा इस तस्वीर पर भी ध्यान मार लीजिए। इस बंदे को मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि इस टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन को फिट करने का दिमाग उस वक्त कैसा रहा होगा। मतलब कि भाई साहब ने टॉयलेट सीट के बिल्कुल साथ में वॉश बेसिन लगा दिया। अब ये पता नहीं लग रहा है कि वो पतले बंदुओं के लिए आरामदायक है या फिर मोटे लोगों के लिए नुकसानदायक, क्योंकि पतला बंदा तो यहाँ पर फिट हो जाएगा, लेकिन थोड़े से मोटे लोगों को ओखा होगा। अब ये वाली तस्वीर देखकर तो हमें भी डर लग गया, क्योंकि दोस्तों हमने सोचा कि यहाँ पर इस टॉयलेट सीट पर अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो उस बेचारे को क्या लगेगा, कितने सारे लोग उसे ऐसे देख रहे हैं। बाय द वे, इस टॉयलेट का फर्श बनाने वाले बंदे को 21 तोपों की सलामी, और इन टाइल्स को बनाने वाले को भी हम सलाम करना चाहेंगे जिसने ऐसी क्रिएटिविटी लोगों के सामने पेश कर दी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा टॉयलेट पेपर टॉयलेट सीट के बिल्कुल साथ में लगे होते हैं, ताकि बंदे को उसे निकालते समय कोई परेशानी ना हो। पर दोस्तों, अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि टॉयलेट पेपर टॉयलेट सीट से कितनी ज्यादा दूर है, और इन दोनों में तकरीबन 10 फीट का फासला है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति वहां पर बैठेगा भी तो बेचारा अपने धोएगा कैसे, अब इसको बनाने वाले के भी क्या कहने। अब ये तस्वीर हमें रेडिट से मिली, जिसमें एक बहुत बड़ा सिंक और बहुत ही अजीब है ये। मतलब कि उस पर जो मार्बल लगा हुआ है उसे देखने को मन ही नहीं करता। ये बड़ा ही गंदा डिजाइन है, जो पता नहीं से लगवाने वाले घर वालों ने क्या सोचकर खरीदा होगा। दोस्तों, कई लोगों का ऐसा होता है, जब भी वो पब्लिक टॉयलेट में बाथरूम करने जाते हैं और उनके पास कोई खड़ा हो तो उन्हें बाथरूम नहीं आता और उनका पेशाब बीच में रुक जाता है। इसके बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तब क्या होगा जब ऐसे लोग जिनको किसी के सामने बाथरूम नहीं आता वो इस टॉयलेट में चले जाएं। तो यहाँ पर तो हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जेरेमी रेनर की तस्वीर लगाई हुई है, जो कि एक तस्वीर है जिसमें उनकी आंखें सिर्फ एक ही जगह पर गड़ी हुई है। वो कहाँ, आप खुद ही देख लीजिए। हम जब भी नया घर बनाते हैं या फिर किसी भी घर में जाकर देख लो तो टॉयलेट एकदम सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद कुछ अलग ही सीन चल रहा है। दरअसल इस बाथरूम में लकड़ी या फिर एल्यूमिनियम का दरवाजा लगाने से अच्छा यहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ एक कांच का टुकड़ा लगाने के बारे में सोचा, पर शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि फिर बाद में उनके बेड से बाथरूम में तो सब कुछ साफ साफ ही दिखेगा, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित रही होगी, क्योंकि फिर यहाँ तो उन्होंने इसी में एडजस्ट किया होगा या फिर पैसे लगाकर एक नया दरवाजा बनाया होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। अब जरा आप पेरिस की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। दरअसल ये तस्वीर एक किराए के घर में ली गई है, जहाँ पर मकान मालिक ने अपने किराएदार का समय और पैसे दोनों बचाने के लिए बाथरूम और किचन को एक साथ इकट्ठा ही कर दिया।
लेकिन ये काफी अजीब सा काम भी हो जाता है। नहीं मतलब कि वहीं पर बाथरूम और वहीं पर खाना पीना। अब इस टॉयलेट सीट को फिट कर रहे प्लम्बर ने भी वही काम कर दिया जिससे हम डर रहे थे। भाई ने दोनों ही टॉयलेट सीट्स को एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही करीब लगा दिया। अब पता नहीं इस बंदे के दिमाग में तब क्या चल रहा था और उसने क्या सोचकर ऐसा किया। घर वालों ने सोचा होगा हम दो सीट्स लगवा देते हैं, जब कुछ ज्यादा घर में मेहमान आ जाते हैं तो सुबह सुबह कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मगर अब नहीं, ये दिक्कत काफी देर तक भुगतनी पड़ेगी। ये तस्वीर देखकर कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे ये क्या है, ऐसा किसने बनाया। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो ऊपर काले रंग के डिब्बे नहीं देख पा रहे हैं ना, इसमें शैम्पू होता है। पर अब आपके मन में ये सवाल होगा, यहाँ पर वॉश बेसिन तो सिर्फ तीन ही हैं और डिब्बों की संख्या 5। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसे फिट करने वाले ने लगाया अपना थोड़ा सा दिमाग, शायद इसे इसकी मूर्खता भी कहा जा सकता है। मगर उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि वो छोटी सी हाइट से बड़ी हाइट वालों सबको यहाँ से शैम्पू निकालने में आसानी कर सके। लेकिन उस महाशय ने शायद ये नहीं सोचा था कि जिनका कद होगा ऊंचा वो छोटी हाइट पर से भी शैम्पू को निकाल लेंगे। हाँ, बहुत तेज बन रहे थे लेकिन हो गया पोपट। अब इस फोटो को दिखाने से पहले ओ भाई मारो मुझे मारो, क्योंकि दोस्तों इन दोनों टॉयलेट्स को इतना ज्यादा नजदीक बना दिया गया कि यहाँ पर दो व्यक्ति तो एक साथ आ ही नहीं सकते क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही नजदीक है। लेकिन शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि ये बड़े ही करीबी दोस्तों के लिए बनाया गया हो, और बहुत ही करीबी मतलब बहुत ही ज्यादा। समझ रहे हो? हम कभी भी बिजली के किसी भी शू के नजदीक पानी नहीं गिरने देते, और कोई गीले पदार्थ को तो उसके आसपास भी नहीं रखते। लेकिन ये सॉप डिस्पेंसर पता नहीं किसने इस बिजली बोर्ड के ऊपर लगा दिया, जिसके चलते अब जब भी कोई यहाँ पर आकर हाथ धोने के लिए साबुन लेता है तो उसका आधा तो इस बिजली के शू पर ही गिर जाता है। वाह बेटे मौज कर दी। हर महाराज का सिंहासन ऊपर ही होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसी दौरान आप ये वाली फोटो को भी देख लीजिए, जहाँ पर ये टॉयलेट सीट इन सीढ़ियों के ऊपर एक थड़े पर रखी हुई है। सुबह सुबह जो भी इंसान हल्का होने जाता होगा उससे पहले थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ती होगी। अब दोस्तों ये टॉयलेट सीट और बाथटब तो कुछ ज्यादा ही नजदीक लगा दिया, क्योंकि जब भी कोई इस बाथटब में नहाएगा तो उसे पास ही से अजीब सी बदबू तो जरूर आएगी। दोस्तों सही कहा ना हमने। तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना ताकि हम इस पर अगला वीडियो भी बना सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।